मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूं तो आप समझ जाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप है विथ आई इफेक्ट। समझ बेटा, मेरे पास मैंने फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, एसिटाल्डिहाइड बना दिया, दिस और कीटोन बना दिया। लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखता हूं, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, डेल नेगेटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव चार्ज है, ये डेल पॉजिटिव चार्ज प्रॉब्लम है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर डेल नेगेटिव, इधर डेल पॉजिटिव है, ये डेल पॉजिटिव चार्ज प्रॉब्लम है, इधर भी सेम कंडीशन। होशियार बच्चे, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसकी ओर भागा हुआ आया था, क्योंकि कार्बन बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। आप खुद सोचो बेटा, कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा कष्ट में? यदि आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पर दो जगह से सपोर्ट लगा हुआ है बाई प्लस आई इफेक्ट। इधर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढोल देगा इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, मतलब वाया सिग्मा बॉन्ड कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ओर दे करके कार्बन को थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज उसका कम कर देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। इसीलिए बेटा एसीटोन्स आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, उनमें ऑक्सीडेशन उतना नहीं होता है जितना कि ऑक्सीडेशन आपको एल्डिहाइड्स में या फॉर्मेल्डिहाइड में मिलेगा। जबकि यदि आप यहां देखो तो यहां पर सिर्फ एक जगह से सपोर्ट आ रहा है, प्लस आई ग्रुप है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में एच का आई इफेक्ट जीरो होता है, तो कोई सपोर्ट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज खूब बना हुआ है यहां पे। इसलिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा, उसके बाद में इसमें और उसके बाद में इसमें मिलेगा। यदि मैं यहां पे एक और एग्जांपल बना दूं, CCl3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, CCl2 एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और ClCH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच, आप अब तक समझ गए होंगे इस बात को कि सबसे ज्यादा न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां पे होने वाली है। यदि आप यहां देखो तीन तीन माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तीन माइनस आई ग्रुप इस पर खूब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे, इस पर न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तेज होगी। जबकि यहां पे दो Cl लगे हुए हैं, ये दो Cl भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे पर उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि ये कर रहा है। यदि आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं तो आप ऑलरेडी इस बात को समझ चुके हो कई बार, ये एक Cl, ये एक और Cl, ये एक और Cl, ये एक और Cl, Cl अपनी ओर अपनी ओर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ये यहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा दे। यहां तीन तीन Cl द्वारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले एग्जाम्पल में बढ़ा है, और इसमें बढ़ेगा पर ऑब्वियसली सबसे कम इन तीनों एग्जाम्पल में। दी लास्ट वाला एग्जाम्पल में CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच लिख दूं तो सबसे कम रेट हो जाएगा लास्ट एग्जाम्पल में, क्योंकि वहां पे कोई माइनस आई ग्रुप अटैच नहीं है, जबकि यहां पे माइनस आई है, यहां दो माइनस आई है, यहां एक माइनस आई है, यहां पे तो इनफैक्ट प्लस आई ग्रुप अटैच है जो कि इसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए लाइक दिस। अब बेटा इसमें आप वेरिएशन जब भी करना चाहो तो वो सेम टाइप के वेरिएशन लगा सकते हो जिस टाइप के वेरिएशन आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में पढ़े हैं। तो जो आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में पढ़ा है वही एग्जाम्पल्स का प्रयोग आप इधर भी कर सकते हो। ठीक, तो अब तक मैंने आपसे ये डिस्कस किया है, इसके बाद एक चीज और भी डिस्कस हम कर सकते थे यहां पर, और वो था रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, पर चूंकि आपको SN1 रिएक्शन के बारे में अभी नहीं पता है इसलिए इसका रेट जो है डेफिनेटली मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब मैं आपको एल्किल हैलाइड पढ़ाऊंगा। नेचुरली वहां पर वो इतना डिटेल में डिस्कस होता है कि आपके दिमाग पे वो निश्चित रूप से बैठ जाएगा आई इफेक्ट, के वहां पे आई इफेक्ट किस तरीके से अप्लाई होता है। वहां कुछ नहीं है, वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप ऑलरेडी समझ चुके हो, तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरीके से आई इफेक्ट प्रभावित करता है, स्पेशली SN1 रिएक्शन को। तो अब आई इफेक्ट में जो थ्योरिटिकल छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, आई इफेक्ट के क्वेश्चंस निश्चित रूप से भी करना बाकी है जो कि आएगा एग्जाम में।
अब मैं आपको दूसरा अफेक्ट समझाता हूं, दैट इज अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। आई इफेक्ट की बेसिक बातें मैं आपसे कर चुका हूं। बट इन टॉपिक्स में थ्योरी पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है एग्जाम की सिचुएशन में खुद सही सवाल बनाना मुश्किल है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपको एक और अफेक्ट डिस्कस करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, लिख लें आप लोग, व्हेन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इनटू एडजेसेंट वेकेंट ऑर्बिटल्स इनटू एडजेसेंट सिचुएटेड वेकेंट ऑर्बिटल्स द कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। उस बार उन्होंने सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइन क्वेश्चन था, वन चॉइस था, तो उसमें पूछा था हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। उसमें आपको उत्तर देना था कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है जब होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। उसमें यही पूछा था उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन में किस बॉन्ड का कौन बॉन्ड भाग लेता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस टाइप से। तो जब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बट देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट में देयर इज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन में देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनटू द एडजेसेंट वेकेंट ऑर्बिटल। मैं समझाता हूं, कल भी पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बात बोली थी। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन में बार बार सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्डेड रेजोनेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्डेड रेजोनेंस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर नेथन्स अफेक्ट। बेकर नेथन्स अफेक्ट, मैंने जैसा डेफिनेशन आपको बताया है, अगेन एलिमेंट्री हाइपर कॉन्जुगेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन इस फॉर्म में तो नहीं आए, बट जो क्वेश्चन आना है वो निश्चित रूप से इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा। देखिए आप किस तरीके से यहां हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है वो समझेंगे। बेटा ये sp2 hybridized कार्बन है, और यदि ये sp2 hybridized कार्बन है तो इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। तो ये रहा वेकेंट p ऑर्बिटल जो कि यहां पे रखा हुआ है। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक करेगी इनटू दिस वेकेंट ऑर्बिटल। आप बात को समझेंगे कि इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। यहां बेटा एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी एक एटम पे यदि चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो निश्चित रूप से अनस्टेबिलिटी तो इंड्यूस सिस्टम के अंदर कर देता है। सिस्टम में जितना चार्ज फैल जाए उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि यहां से ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस न्यू सी एच टू। और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे H प्लस आ जाएगा। यहां पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुआ है बॉन्ड का, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले गए, तो यहां पे क्या हुआ, H प्लस आ गया। बट ये स्ट्रक्चर टिकेगा नहीं स्टेबिलिटी में, ये पार्शियल ही बॉन्ड टूटता है, दोबारा बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाएगा और अब नए सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली इधर माइग्रेट करेगी और फिर ये वाली इधर माइग्रेट करेगी, तो नए नए स्ट्रक्चर इस दौरान बन जाएंगे। अब इस H प्लस का सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे माइग्रेट करेंगे। इसके बाद लास्ट वाला, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर माइग्रेट कर जाएगी। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे चार। सो थ्री अल्फा हाइड्रोजन थे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बने आपके पास में चार। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो कार्बोकेटाइन है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस पे आप कार्बन, अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये एक दो तीन अल्फा हाइड्रोजन हो गए,
therefore there are three alpha hydrogen, total structure चार हो जाएंगे, तीन तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण स्ट्रक्चर बन गए और एक ये मूल स्ट्रक्चर, सो 3+1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विल बी 4 हियर। नाउ यहां स्टेबिलिटी किस तरीके से आई, स्टेबिलिटी इस तरीके से आई है कि यदि आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज जो पहले इधर था वो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इतने बड़े एरिया पे डिस्पर्स हुआ है, इतने बड़े एरिया पे डिस्पर्स हुआ है, कभी पॉजिटिव चार्ज इधर रहा है, कभी इधर रहा है, कभी इधर रहा है, कभी इधर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, सो दिस इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। अब यदि आप ये सोचो कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अफेक्ट दिखा रहा है या फिर इंडक्टिव अफेक्ट ज्यादा अफेक्ट दिखाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा इंडक्टिव अफेक्ट के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कंप्लीट बॉन्ड मूव कर रहा है, कंप्लीट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ मच बिगर अफेक्ट व्हेन कंपेयर टू द इंडक्टिव अफेक्ट। इसीलिए मैंने आपको जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया था तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखने के लिए मेजर अफेक्ट जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ना कि इंडक्टिव अफेक्ट। आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। Now I will give you an example of stability of carbocation देखो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री समझाया था, एक बार और समझते हैं। इस बार मैंने इसको CH3 को ओपन करके बना दिया है थोड़ा, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। बेटा यदि यहां पे आप ध्यान देंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, ये रहा वेकेंट पी ऑर्बिटल। यदि इसको मैं यहां पी ऑर्बिटल यू बना दूं, मान लो ऐसे बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर माइग्रेट कर सकती है, और यदि ये इधर से इधर माइग्रेट की तो यहां पे स्ट्रक्चर कैसा बन जाता, डबल बॉन्ड सी और एच प्लस। यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो किसके साथ बनेगा, इसके साथ, यही सेम इसके साथ। जिन बच्चों को इसको देखने में प्रॉब्लम होती हो वो क्योंकि आपने मूलतः ऐसे देखा हुआ है, इसके साथ देख लें यूं बना के तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पी ऑर्बिटल को यूं स्टैंड अप कर दे, ये इधर से इधर ब्रेक करेगा, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, तीन स्ट्रक्चर हो गए। सेम कंडीशन यहां भी होने वाली है, यदि यहां पर ध्यान दो तो यहां भी वही सेम कंडीशन होने वाली है, ये इधर से इधर ब्रेक कर सकता है और इधर भी वही कंडीशन होने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन अल्फा कार्बन, हर एक पे तीन तीन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब इसके टोटल स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो बनेंगे 9+1। 9 स्ट्रक्चर तो बेटा CH बॉन्ड के कारण बन जाएंगे और एक ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर, देयरफॉर टोटल 9+1 10 स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म इन दिस केस। इधर देखो तो यहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। यहां पर देखें तो आपको अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहां पे आपको
जीरो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, क्योंकि जो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके बगल में कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर देयर आर जीरो अल्फा हाइड्रोजन व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। क्योंकि वहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बहुत ही कम होगी। यहां पर देखें तो टोटल स्ट्रक्चर 10 थे, यहां पर टोटल स्ट्रक्चर 7, यहां पर 4 और यहां पर टोटल स्ट्रक्चर 1 हो जाएगा। पर हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यदि किसी ने पूछा कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, नो स्ट्रक्चर इज फॉर्म ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन द लास्ट केस, नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म इन द लास्ट केस सिंस देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का केस ही नहीं है लास्ट वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेटा वेकेंट ऑर्बिटल के बगल में, यहां एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके बगल में अल्फा कार्बन पर जो सी एच बॉन्ड है उसकी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट करती है एडजेसेंट वेकेंट ऑर्बिटल में, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो लास्ट वाले एग्जाम्पल में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, सिंस यहां पे आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो बना रहे हो वो बना रहे हो 10, 10, यहां पे 7, यहां पर 4, देयरफॉर मोर द स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बड़े एरिया पे फैल जाएगा। जितना बड़े एरिया पे पॉजिटिव चार्ज फैलेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। Therefore, this is more stable than this one, is more stable than this one, is more stable than this one. Beta, 3 degree carbocation is more stable than 2 degree, is more stable than 1 degree, is more stable than methyl carbocation. यदि कोई इसका reason पूछता है आपसे, तो आप बताएंगे hyper conjugation and inductive effect both. यदि कोई आपसे बोलता है, which is the major reason? Certainly, hyper conjugation is the major reason for stability of carbocation. बना लें आप इसको. आपने बेसिक फंडामेंटल बात समझ ली, अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसी के कुछ क्वेश्चन जो है वो शीट के अंदर है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन में, जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनना पड़ेगा। मैं आपको वापस से ये बात बता दूं, अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट बगल में कार्बन देखें, कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन देखें, उस पर हाइड्रोजन देखें, जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको पहली चीज जो समझाई वो समझाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन। अब मैं आपको बताता हूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन। ध्यान दें, जहां तक एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का सवाल है, अभी आपने कार्बोकेटाइन पढ़ा है बेटा, यदि मैं यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कर दो, तो देखें इधर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो एक p ऑर्बिटल, sp2 तो एक और p ऑर्बिटल, इनफैक्ट इसी दो p ऑर्बिटल की साइड ऑन ओवरलैपिंग से बना हुआ है ये पाई बॉन्ड। हालांकि यहां मैंने भले इनको दूर दूर दिखाया है बट रियलिटी में ये दोनों साइड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, एकदम पास पास होंगे। अच्छा नहीं बन पा रहा, ओके, दिस इज वन कार्बन एंड दिस इज वन मोर कार्बन, इनके बीच में ऐसा बॉन्ड हो जाएगा। सो देयर इज साइड ऑन ओवरलैपिंग व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पाई बॉन्ड। खैर आप ये चीज समझते हैं इसलिए इसको उस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप बना। अब बेटा इधर पाई बॉन्ड बना हुआ है एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, दिस इज फॉर्म्ड बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। ध्यान देना जरा, इधर CH3 है, क्या होगा, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा और इलोबरेटिव तरीके से इधर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे हो गया CH डबल बॉन्ड CH, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर मूव कर जाएगी और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर मूव करेगी ऑब्वियसली इस कार्बन का ऑक्टेट क्या होगा, एक्सीड होने लग जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर से इधर मूव कर जाएगा। सवाल ये उठता है कि यहां पर क्या जरूरत पड़ी इस फिनोमेना की, क्यों ये फिनोमेना हुआ यहां पर, तो बेटा यदि डबल बॉन्ड एक जगह पर टिका रहेगा तो उस पर अटैक बहुत आसान हो जाएगा, डबल बॉन्ड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विल रिमेन हाई, क्योंकि जब तक डबल बॉन्ड टिका हुआ है एक ही जगह पर तो निश्चित रूप से उसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है। ये एक बुरी स्थिति है किसी एल्कीन के लिए। अच्छा ये होता कि ये डबल बॉन्ड एक जगह ना टिके, ये डबल बॉन्ड एक जगह से कई जगह पे मूव यदि हो सकता है तो ये उसके लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसी एक पोजिशन पर ना होकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे एक चेन पर डिस्पर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां पर वीक हो जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां मूव हुई और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां मूव हो गई, तो जो नया स्ट्रक्चर आपके पास जनरेट होगा वो स्ट्रक्चर हो जाएगा H H H प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड नेगेटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन आए बेटा यहां, ये पाई बॉन्ड जब मूव किया दो इलेक्ट्रॉन आए, पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला एक्स्ट्रा आया, एक तो उसके पास ऑलरेडी था, देयरफॉर एक नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। और यही स्ट्रक्चर क्यों, ये स्ट्रक्चर अब इसके साथ बन जाएगा, फिर इसके साथ बन जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा ये यदि आप पहला वाला लिख दें तो ये हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, मतलब इसको आप मूल स्ट्रक्चर मान लें, ये पहला हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर मान लें, दूसरा हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा यहां पे, और दूसरा वाला कैसा दिखेगा वो दिखेगा एच सी H, here we have H plus, ये दूसरा स्ट्रक्चर इसके बाद बन रहा है, और डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव चार्ज। इसके बाद एक और तीसरा स्ट्रक्चर बन सकता है, और वो स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे कैसा दिखने वाला है, H, this, this, डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बन गए। टोटल नंबर ऑफ अल्फा कार्बन यदि आपको यहां गिनना है, यदि आपको हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगाना है, तो अगेन आप अल्फा हाइड्रोजन को देखें। अल्फा हाइड्रोजन देखने का अच्छा तरीका क्या है, आप इस एल्कीन को, जो भी एल्कीन आपको दिया हुआ है, ये ओरिजिनल कंपाउंड है, उसको एक बॉक्स में बंद कर दो और उससे जुड़े हुए कार्बन को देखें जो sp3 हाइब्रिडाइज है, डायरेक्टली जो जुड़े हुए, तो डायरेक्टली इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन पर तीन हाइड्रोजन है, देयरफॉर देयर आर थ्री अल्फा हाइड्रोजन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। तो तीन अल्फा हाइड्रोजन मतलब 3+1 4 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएंगे, देयरफॉर देयर आर इन टोटल 4 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, नोट इट डाउन। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। If you can see this structure, see the structure and try to see the number of alpha hydrogen present in this alkene. Try to see number of alpha hydrogen present in this alkene. This is 2,3 dimethyl butene. If you have got the mic, you can tell me the answer. How many alpha hydrogens are there? Yes, correct. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि आप डबल बॉन्ड को एक डब्बे में बंद कर दें, और याद रखें जब आप इस डबल बॉन्ड को डब्बे में बंद करें तो डब्बा बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाए, नहीं तो आप बड़ा सा डब्बा बना लो और ये कार्बन भी उसके अंदर ही बंद कर दो। कई बार क्या होता है एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना के नहीं देते, बोर्ड तो देंगे नहीं एग्जाम में, छोटा छोटा पेपर होता है उस पर छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, और बच्चा यदि थोड़ा सेंटीमेंटल हो जाए डब्बा थोड़ा बड़ा बना दे तो बगल वाला अल्फा कार्बन डब्बे के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद में जो है क्वेश्चन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कृपया करके जो दो कार्बन है जिन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है उन्हीं को सिर्फ डब्बे में इंक्लूड करें, बाकियों को ना करें। तो आप ये बॉक्स बना लें,
और देखें बॉक्स से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। यदि आप देखें तो बॉक्स पे 1, 2, 3, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और इन कार्बन पर 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर आर 12 अल्फा। देयरफोर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी जनरेटेड इज 12+1 दैट इज 13। नाउ सी दिस वन अगेन, इसको देखें, यहां पर आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी फॉर्मड आर 10। यहां पर आपको टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। देयरफोर मोर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, बेटा जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आप बना पाओगे, एल्कीन उतना ही ज्यादा स्थिर हो जाएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। यदि आप इस एग्जाम्पल को देखो तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस एल्कीन, व्हेन कंपेयर टू दिस एल्कीन। एल्कीन पे यदि आपने आज थ्योरी को थोड़ा गौर से सुना होगा तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि एल्कीन पे किस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए। आप सोचो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए, बताएं बेटा। यदि कोई बताना चाहे तो एल्कीन पे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी? ओके बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? वैसे आप ट्राई कर सकते थे, हाँ एक ही बचा हुआ था आंसर, यू हैड ओनली 2 ऑप्शंस। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। शाबाश बेटा, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक नहीं करेगा बेटा, एल्कीन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का एरोमा होता है, एरोमा बोले तो आभा मंडल होता है। यदि न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल को एल्कीन घर तक छोड़ के आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसलिए होशियार बच्चों, सबसे पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का एल्कीन पर नहीं होना है। जब तक आप एल्कीन पे कोई ऐसा ग्रुप न लगा दो जो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच ले, यदि ऐसा ग्रुप लगाया जिसने नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच लिया तो फिर न्यूक्लियोफाइल आके इधर अटैक करेगा, पर फर्स्ट अटैक इस पर हरदम इलेक्ट्रोफाइल का होगा, बिकॉज एल्कीन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देयरफॉर उसकी ओर वो आएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद इस एल्कीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल का वेलकम करेगी, फिर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, बट रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जो पहले आता है उसी के नाम से रिएक्शन का नाम पड़ेगा। सिंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट, देयरफॉर द नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद की थ्योरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।